सर, आज नेशनल वाटर स्पोर्ट्स कैंपस का इंस्पेक्शन था और सीएम सर थे, सर इसके बारे में बताइए। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट वाटर स्पोर्ट जो है, ये 2014 में इसका कंस्ट्रक्शन काम चालू हुआ था और ये जो प्रोजेक्ट है हमने जीएसआईडीसी को दिया था कंप्लीट करने के लिए। 2014 से लेके आज तक इनकम्प्लीट है। इसके अंदर काफ़ी इश्यूज भी थे, कुछ ड्राइंग को लेकर, कुछ टेक्निकल जो ड्राइंग है उसके हिसाब से, और डिज़ाइन में भी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन है जिसको थोड़ा टाइम लग गया है, और जिसकी वजह से अभी हमने काफ़ी बार मिनिस्ट्री से हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको अप्रोच किया कि बिल्डिंग को जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए। उसके बावजूद सीएम साहब ने हमें रिक्वेस्ट किया कि एक बार आके वो भी थोड़ा सा इंस्पेक्शन करें और इस बिल्डिंग को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें, ताकि हम लोग आगे जो फर्दर हमारे कोर्सेज हैं, हमारा फर्दर ऑफिस रन करना है, हम जल्दी कर सकें। सर, ये कब तक स्टार्ट होगा, कुछ पता है सर आपको? इनोग्रेशन का अभी सीएम साहब ने बोला है कि मई में इसमें एंड में ख़त्म बिल्डिंग कंप्लीट होगी, और कंप्लीट होने के बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि कब इनोग्रेशन होना है। सर, ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज कितने हैं यहाँ पे? हमारे पास दो टाइप के कोर्सेज हैं, एक टूरिज्म बीबीए इन टूरिज्म, एमबीए इन टूरिज्म और पीएचडी इन टूरिज्म, जो कि 2 साल का और 3 साल का डिफरेंट कोर्सेज हैं। और दूसरे हैं हमारे पास वाटर स्पोर्ट्स के लेके 2 कोर्सेज, जो कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, 5 डेज 6 डेज, डिपेंड अपॉन द कोर्सेज। सो जो इंडिया के अंदर वाटर स्पोर्ट चलता है, जैसे बोट चलाना, जेट्स की चलाना, पैरा सेलिंग चला पूरे हमें गोवा में भी, और विंड सर्फिंग, कायाकिंग, इन सब के शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम करवाते हैं और उनको हम लोग सर्टिफिकेट इशू करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सर, पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, तो आपका कैपेसिटी कितना है सर? हमारा कैपेसिटी है, हमारे पास ऑलमोस्ट 180 लोग यहाँ पे एट ए टाइम अकोमोडेट कर सकते हैं। हमारे पास क्लासरूम भी है, उसके हिसाब से हॉस्टल भी है हमारे पास, तो ऑल ओवर इंडिया से लोग हमारे पास अप्रोच करते हैं, इवन लक्षद्वीप से लेके अंडमान तक, और वो लोग हमारे पास कोर्सेज के लिए आते हैं। और उनके साथ साथ हमारे पास डिफेंस एजेंसीज भी हैं, जैसे इंडियन नेवी, उनके साथ हमें MOU साइन किया, उनके लोगों को हम लोग ओपन वाटर रेस्क्यू ट्रेनिंग करवाते हैं, और एयरफोर्स के लोग हमारे पास आते हैं। लास्ट मंथ में हमारे पास एयरफोर्स के 2 बैचेस चलाए हमने, विंड सर्फिंग का और सेलिंग का, और उसके साथ में BSF के लोग भी आते हैं हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए। सर, अभी टोटल इंस्ट्रक्टर आपके पास कितने हैं? हमारे पास टोटल 31 इंस्ट्रक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग परमानेंट और गेस्ट फैकल्टी लगा के। सर, आगे चल के और भी इंस्ट्रक्टर आपको लगेंगे सर? जी, क्योंकि जो वाटर स्पोर्ट्स के अलग अलग कोर्सेज होता है, उसके लिए अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे पास, सब एक्सपर्ट लोग हैं जो कि उसको कोर्स करवा सकें पानी के अंदर। अभी ऑन गोइंग स्टूडेंट्स कितने यहाँ पे कोर्स ले रहे हैं? अगर हम ईयरली बात करें, हम लोग एक साल में 150 से 200 कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर 2500 से आसपास हम लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं वाटर स्पोर्ट्स में। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन बताइए। मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग मैनेजर हूँ यहाँ। सर, आप कुछ बता रहे थे? हाँ, अभी रेगुलर बेसिस पे हमारा MBA प्रोग्राम भी चलता है, जिसमें अभी टोटल 60 स्टूडेंट यहाँ हॉस्टल में स्टे करते हैं, और एवरी ईयर एडमिशन होता है जून जुलाई के दौरान, और हमारा जो कैपेसिटी है 180 स्टूडेंट का कैपेसिटी। सर, और एक बात, यहाँ पे जो स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया कि उनको हमारे जो कोर्सेज हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज, उनमें क्राइटेरिया कि उनको स्विमिंग आना चाहिए, और अलग अलग जैसे 100 मीटर स्विमिंग 3 मिनट में कंप्लीट करेगा तो उसको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, ताकि आगे वो फर्दर कोर्सेज कर सके। सर, एज क्या है स्टार्टिंग? एज मिनिमम 18 साल से ऊपर। थैंक यू सो मच सर।